हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो ये आज की जो वीडियो है हमारी, ये है हमारी 3 अगस्त की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट के जितने भी हमारे जीके के क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप अपने क्वेश्चंस चेक कर लें और जिनका जो आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ है। अगर आपको ये वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की PDF भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं हमने वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक तो जीता था गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, 7 अगस्त को जीता था, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 7 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। तो डायमंड लीग जो हुई थी ये कहाँ पर हुई है, तो ये हमारी दोहा में हुई है, ठीक है, दोहा डायमंड लीग ही बोलते हैं इसको। तो नीरज चोपड़ा ने कितना जीता है, 88.67 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका है और ये भाला फेंक कर इन्होंने क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। इसमें हमारा जो सेकंड आए थे उसका जो भाला था उसका 88.63 रहा था, ठीक है, तो 0.04 से वो रह गया था। तो याद रखिए कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता, सॉरी हाँ जी, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो ये खेलते हैं यानी भाला फेंक, और डायमंड लीग में जीता है कितना, 88.67। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने कॉमनवेल्थ से रिलेटेड गोल्ड मेडल रखे हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे इसमें गोल्ड मेडल किस किस ने जीता है, तो PV सिंधु ने जीता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है, ठीक है, निकट जरीन का संबंध किससे है, तो वो इसी यहीं से पूछे जाते हैं जो फेमस रहे होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर। तो PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था, लक्ष्य सेन ने भी बैडमिंटन में जीता था, निखत जरीन ने बॉक्सिंग में जीता था, ठीक है, विनेश फोगाट रेसलिंग में जीता था, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में जीता था, नवीन ने भी रेसलिंग में जीता था, ठीक है, ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बाद शरद कमल को हमारा अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, टेबल टेनिस से संबंधित है। नीतू घांगरास बॉक्सिंग से है। अमित पंघाल, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL में कि अमित पंघाल का संबंध किससे है, तो ये हमारे बॉक्सिंग से है। बजरंग पुनिया रेसलिंग से संबंधित है, साक्षी मलिक रेसलिंग से है, दीपक पुनिया रेसलिंग से है, मीराबाई चानू से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वेट लिफ्टिंग से है, जेरेमी लाल रिनुंगा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है अचिंता शेलू, तो अचिंता शेलू वेट लिफ्टिंग से है। इसके बाद लवली चौबे, पिंकी नारायण के सेकिया, रूपा रानी तिरकी लॉन बॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अभी थोड़े से रहते हैं, इसी हो गया शरद कमल, ठीक है, साथिया गणेशन, हरमित देसाई, सुनील शेट्टी टेबल टेनिस से है, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग से है, भावना पटेल ये भी पूछा गया है, भावना पटेल टेबल टेनिस से संबंधित है, एल्दोस पोल मेंस ट्रिपल जंप से है, शरद कमल हो गया, सरीजा अकुला टेबल टेनिस मिक्स टीम से, सात्विक साईराज ये भी आज क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हाल ही में किस बैडमिंटन जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्य नारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा अवार्ड मिला था, तो 1970 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी 1.64%। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी वो कितनी थी, 17.64% थी, ठीक है, दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो 17.64% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 72.28% साक्षरता दर वाला लक्षद्वीप जो है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और राज्य कौन सा है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला, तो राज्य है हमारा केरल, ठीक है। यहाँ पर हमारी महिलाओं की साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो वो हमारी बिहार में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था, जिसकी जो जनसंख्या थी वो हमारी कितनी थी, 19.9
आठ करोड़ थी। नेक्स्ट है हमारा चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने करी थी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं। चोल वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो राजराज चोल चोल वंश का सबसे महान शासक है तंजावुर। ये कल पेपर में पूछा गया था, जिसे तिंजोर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्या थी, चोल साम्राज्य की राजधानी थी और तंजोर में ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चोल शासक ने कराया था। ये पूछा गया था कि तंजोर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज पूछा गया है कि धीमसा लोक नृत्य कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में धीमसा लोक नृत्य है। ठीक है, गोबी बनालू भी इसी में ही है, धीमसा भी इसमें है, कोलाट्टम भी इसी में ही है। तो याद रखिएगा कि हमारा धीमसा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, डांडिया भी इसी में ही है। ओणम फेस्टिवल, तो ओणम फेस्टिवल कहाँ पर है, केरल में बनाया जाता है। केरल के कुछ फेस्टिवल लिए हैं हमने, ठीक है, केरल के आगे लिए है खारची उत्सव। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोनालू हमारा तेलंगाना में अभी बनाया गया है, और वैसे हमारा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। खर्ची पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये हमारा त्रिपुरा का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है, आर्टिकल 39D में। ठीक है, अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, आयरलैंड से हमने इसमें लिया है, और इसमें 39A आने की संभावना है। 39A है हमारा समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, यानी कि फ्री लीगल एड से संबंधित है 39A। ठीक है, तो आप याद करके जाइएगा, 39D से पूछ लिया है, 39A आ सकता है। ठीक है, 44 क्या है हमारा, तो आर्टिकल 44 हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 40 हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन है। ठीक है, आर्टिकल 42 हमारा मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है। 45 हमारा शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद 47 हमारा न्यूट्रिशन से संबंधित है। 48 हमारा प्राकृतिक संरक्षण से है। 48 हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप याद रख के जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगर पूछ ले कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये इसके राजनीतिक गुरु है हमारे एमजी रानाडे। ठीक है, एमजी रानाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता करी थी 1905 के बनारस अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस शहर में भारत की पहली मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है, तो बेंगलोर हमारी कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लौटते हुए मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है, तो लौटते हुए मानसून से हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व उड़ीसा के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। ठीक है, अगर पूछ ले कौन से तट पर होती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ठीक है, और कब आता है लौटता हुआ मानसून, तो लौटते हुए मानसून हमारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अरविंद पारिक का संबंध हमारा किससे है, सितार से संबंधित है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र जो है 21 से 18 कर दी गई है, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में कर दी गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये हमारा है 86 संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने 42वां लिया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 था। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, मैंने मेनली दो ही लिए हैं। इस संविधान के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो याद रखिएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, यानी मौलिक कर्तव्य भी हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पूछे कि संपत्ति का अधिकार कौन से
कौन से संविधान संशोधन से हमने हटाया है, तो ये हमारा है 44वां संविधान संशोधन, 1978 में ये हुआ था। इसके तहत जो संपत्ति है आज हमारा कानूनी अधिकार बन गया है और आर्टिकल 300A में ये है। ठीक है, पार्ट कौन से में है, तो पार्ट हमारे 12 में है। ठीक है, पार्ट कौन से में है, तो पार्ट 12 में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। यूएसए से और क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है। ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, जुडिशरी लिया है, यानी कि हमारी न्यायालय की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है, तो वो भी हमने यूएसए से ही ली है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, वो भी यूएसए से लिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से ही लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने लिखा है यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बता दिया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए है, रूस से लिए है। समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया है, तो फ्रांस से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बता दिया, रशिया से है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बता दिया, आयरलैंड से है। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली है, तो ये हमने ब्रिटेन से ली है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है, हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो हरिसेन के द्वारा एक लेख लिखा गया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। यहाँ पर हमने गुजरात के कुछ फेमस त्यौहार ले लिए हैं। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। नवरात्रि और दशहरा उत्सव भी गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। मुंडेरा डांस फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी हमारा गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद केरल में हमारा ओनम मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये सारे हमारे त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये सारे आप याद रखिएगा कि ये सारे त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिपनी लोक नृत्य कहाँ का है, तो टिपनी लोक नृत्य गुजरात का है। मैंने को याद किया था कि रात में क्या किया, रात में हमने रात में लासिया पीकर यानी कि लस्सी पीकर टिप्पणी करी, किसकी, गरबा और डांडिया के बारे में। ठीक है, तो रात में लस्सी पीकर, लासिया हो गया, टिप्पणी हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब कहाँ के है, किकली हो गया, किकली हमारा पंजाब का है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे गुजरात के है। भारत का डेट्रॉइट किसे बोला जाता है, तो भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को बोला जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपये की मासिक सहायता योजना की शुभारम्भ किया है, तो 1000 रुपये की मासिक सहायता का शुभारम्भ किसने किया है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों में से क्या नहीं हटाया जा सकता, तो मौलिक कर्तव्यों को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जबकि जो मौलिक अधिकार है वो हमारे जस्टिशियबल बायलॉ होते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार है उससे सर्वोच्च माने जाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इसलिए मौलिक कर्तव्यों को नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी किसे कहा जाता है, तो MS सुम्बू लक्ष्मी को कर्नाटक राज्य के संगीत की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के लोक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो श्रीलंका के लोक नृत्य को कैडियन के नाम से जाना जाता है। कैडियन या फिर अप कंट्री नृत्य को श्रीलंका की शास्त्रीय नृत्य परंपरा के रूप में माना जाता है। यह श्रीलंका में मध्य पर्वतीय क्षेत्र के कैंडी नामक क्षेत्र के मूल वासियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो कैंडियन हमारा लोक नृत्य है और कैंडी क्षेत्र के द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि M1, M2, M3, M4 किसको दर्शाते हैं, तो M1, M2 संकीर्ण मुद्रा को दर्शाते हैं और M3, M4 व्यापक मुद्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से है, तो गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया से है। कालबेलिया बहुत बार पूछा जाता है कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हमारा राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, घूमर कहाँ का है, तो घूमर भी हमारा राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लुई नगाई त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था सगाई और नगाई दोनों कहाँ मनाते हैं, मणिपुर में मनाते हैं। इसके बाद मैंने कुछ फेस्टिवल ले लिए हैं मणिपुर के ही, तो मणिपुर में हमारा चिरोबा फेस्टिवल नए साल की शुरुआत में मनाते हैं। यशांग फेस्टिवल मणिपुर की होली को कहते हैं। कूट महोत्सव अ थैंक यू फेस्टिवल भी कहते हैं। कांग महोत्सव, ठीक है, रथ यात्रा, संगाई महोत्सव हो गया, चुम्फा फसल का महोत्सव हो गया, लुई नगाई बीज बोने का त्यौहार है ये। ठीक है, कहीं आने वाली शिफ्ट में कल आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार बीज बोने का त्यौहार कहलाता है, तो ये हमारा लुई नगाई फेस्टिवल है। ठीक है, इसके अलावा गंग नगाई भी जो है हमारा
मणिपुर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमकुर दर किस नृत्य से संबंधित है? तो जो कुमकुम दर है हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक इसका शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हमारे कलाकार कौन से आ जाएंगे? सारे हमारे महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे हमारे। इसके बाद हमारे सितारा देवी भी हमारी कथक से संबंधित है, ठीक है, नारायण प्रसाद, ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के कथक से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये शूटिंग का विश्व कप था, वर्ल्ड कप था, इसमें 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल किसने जीता है? तो तिलोत्तमा सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 2022 में जो कुश्ती चैंपियनशिप है ये हमारी नई दिल्ली के राजीव गांधी इंदौर स्टेडियम में हुआ था। इसमें हमारा सरिता मोर और संगीता फोगाट ने अपना जो अपने अपने खिताब को बरकरार रखा है, ठीक है, तो सरिता मोर और संगीता फोगाट जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात हमारा शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी कर्नाटक में, ठीक है। अगर पूछ ले कि कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो की PDF ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आए थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो मैंने नहीं कराया हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।